शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक्सक्यूज मी। या ये फर्स्ट ईयर के एडमिशन की लाइन है? यस अंकल, आप अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आए हो? देखो जितना सवाल पूछा उतना जवाब दो, यस और नो? यस। थैंक यू। गुंडा बॉयस, बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। जी ए चिकने, ये क्या है? चिकने, डब्बे में 100 की हरी बत्ती डाल। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। अबे शाणे, ये भीख नहीं मांग रहे, चंदा है। अपने कॉलेज का डीन है ना, हरामी। हरामी है डीन? हरामी, हरिचंद्र रामचंद्र मिरचंदानी, हरामी। उसको एक खास जगह पे कैंसर हुआ है। कौन सी जगह पे? अबे जगह इम्पोर्टेंट नहीं है, कैंसर हुआ है। उसके लिए हम लोग सबसे 100-100 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, चल डा। एक्चुअली दादागिरी है ये, बट डालना चलना। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये गलत है। ए, तेरी जेब से लिया क्या उसने? चल अंकल तू भी डाल, चल। ए देखिए आप इनके मुंह मत लगिए, ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। हाँ मैं नहीं दूंगा, बड़ी मेहनत करके खेती बाड़ी करके मैंने ये पैसे कमाए हैं अपनी बहन की पढ़ाई के लिए, मैं क्यों दूं? चल रे, इसको साइड में लेके खर्चा पानी दे। चल अंकल को मत मारिए, क्या कर रहे हैं आप? चल देखिए मेरी खून पसीने की कमाई है, मैं नहीं दूंगा। सीने से लगा के रखेगा तो साले गीली हो जाएगी, पसीने की जगह तेरा खून निकालूंगा। पैसे निकाल। बिल्डर साहब, हेलो, ये लीजिए इनके पैसे, मैं देता हूँ। 200 रुपए डाल डब्बे में, डाल डब्बे में, डाल डब्बे में, डालो डालो डालो। क्या एक्टिंग करते यार तुम, है ना? कमाल है, पैसे ले इधर यार। थैंक यू यार। क्या अंकल बोलता है? अंकल बोलता है, मैंने नहीं किया ये था। ए तू क्या हंस रहा है बे, ज़बान तो चलती नहीं, हाथ बहुत चलते हैं तेरे। मैंने नहीं इसने बोला था। ए, मैंने क्या कहा? मैंने कब कहा? मैंने तो वही किया जैसा प्लान था यार, मैंने कुछ नहीं कहा यार। खामखा कुछ भी बोलता है यार तू। ए चढ़ उतर मेरी। यार दारू के लिए पैसे देना यार, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उसी में मुझसे ये सब करवाते हो, कभी केमिस्ट्री लैब का सामान चोरी करवाते हो, कभी असेंबली हॉल के वो पंखे उतरवाते हो। उस दिन मुझे कॉलेज का प्रोफेसर बनाकर उस लड़की का नंबर लेने को कहा, बाद में वही लड़की कॉलेज की प्रोफेसर निकली, आज तक उसी क्लास में बैठा नहीं हूं मैं। हंसो मत। और उस दिन भिखारी बनाकर कॉलेज के गेट के बाहर बिठा दिया, बोले दारू के पैसे नहीं है, तुम्हारी वजह से पूरी कॉलेज में बदनाम हो गया हूं मैं। हंसो मत, मैंने कहा। तू अपना जिगरी है यार, दोस्ती में चलता है यार ये सब। अभी हम लोग तेरी जगह पे होते तो हम लोग भी यही करते हैं ना? था के यही करते, और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा तो कोई ठिकाना है नहीं, रूम भी मेरा ही इस्तेमाल करते हो। वो तो कॉलेज के डीन हरिचंद्र रामचंद्र मिरचंदानी का मैं होनहार स्टूडेंट हूँ, इसीलिए वो मेरी इज्जत करते हैं, वरना तुम्हारा पता नहीं कभी कॉलेज गए भी थे या नहीं। गए थे कॉलेज? याद नहीं। फिर से काम निकाल रही है, वसूली के पास लेके जाना पड़ेगा। अरे ऐसा मत बोल यार, काफी उधार बाकी है। तुलसी और पार्वती की तरह रो रो के मैंने गाड़ी उधार पे लिया, मालूम है क्या? तू तो, तेरे को तो मालूम है ना कौन है वो। एक काम करते, ये सारे रुपए ले जाकर के वसूली को दे देते, बाकी के बाद में दे देंगे, सिंपल। जोक मार। इतने दिनों बाद पैसे नजर आए, बोलता है वसूली को दे देते। वसूली को पैसा देंगे तो खाएंगे क्या? अबे शराब कैसे पियेंगे, जुआ कैसे खेलेंगे? अगर किसी लड़की को गिफ्ट देना हो तो कैसे देंगे? जीना छोड़ दें। ए चार कटिंग बना और मेरे लिए एक नान खटाई। पैसा हरे कलर का होता है, उसके ऊपर गांधी जी की फोटो होती है। चल चाय बना। चल चल पैसा दे पैसा। आज तक दिया कभी? नहीं। फिर क्यों मांग रहे? उधार बंद है। तेरा लाइसेंस रिन्यू हो गया? नहीं। मुंसिपाली का नंबर क्या है? बनाता हूँ। इलायची और अदरक डालना।
ललिता शर्म कर यार, क्या उम्र है तेरी और तू ललिता पवार को देख रहा है? अबे नीचे नहीं ऊपर देख। ओए ललिता बेबी ओ, बुरी नजर से मत देखो, तुम्हारी भाभी है। कब बनी? तुम लोग रुको मैं बना के आता हूँ। ओए मुझे भी भाभी बनाना है। जाने दे उनको, मौत के कुएं में जा रहे हैं। वो देख वसूली। अरे तूने भाई को बताया नहीं क्या कि भाई संजय दत्त लगता है यार? वही बॉडी, वही फेस कट, वास्तव का टीका। वसूली भाई, मैंने राजू रानी से बात किया, अगली पिक्चर में आपको लॉन्च करा। लेकिन मेरे वो पैसे, करोड़ों की बात करो, आप छुट्टा जमा कर रहे हो, कैसी बातें करते हो यार? बड़ा चीप लगता है यार, वही पर्सनैलिटी आपकी। थोड़ी सी उसकी डायलॉग डिलीवरी अगर आप सीख जाए तो मजा आ जाएगा। डायलॉग जैसे ये सर्किट मेरे को जादू की झप्पी देना। हे सर्किट अपन को भी वो जादू की झप्पी देना। वो था ना वॉकिंग की स्टाइल वाइल बॉडी वाली तो आपकी फर्स्ट क्लास है। वो सिखाओ, मैं बताऊं चले हट हट हट। ये नहीं हीरो बन के स्टाइल में खड़े रहने का। नहीं यार क्या कर रहे हैं आप है? ऐसे नहीं, एक पर्सनालिटी है यार, स्टाइल है, एकदम हीरो टाइप। गौर से देखना। अबे चलना सिखा रहा है कि दौड़ना? अरे चूना लगा रहा है, पकड़ सड़क को। माँ मुझे माफ कर देना, मेरा भी बात यार। आंटी मुझे भी माफ कर देना, ये मेरा। ओ माए से उठा लेना। सॉरी माए से भी माफ कर देना, मेरा और एक। सालो मेरे को अकेला छोड़ के आगे तुम लोग तो आ गया ना, मेरे लिए भी बाट। कौन जीत रहा है? मेरा। वसूली ने कमरा देख लिया। वसूली ने कमरा देख लिया। लक्ष्मण खोल, मैं नहीं खोलूंगा, मैं दरवाजा। अरे यार गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अकेले हो? हाँ सर बिल्कुल अकेला। पार्टी पार्टी हो गई? मैं तो पढ़ाई कर रहा था सर, पार्टी नहीं। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? हाँ सर, कैंसर स्पेशलिस्ट। कैंसर स्पेशलिस्ट जी। तो कैंसर स्पेशलिस्ट मुझे बताओ, मुझे कौन सी खास जगह पर कैंसर हुआ है? सर मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, मैं कैसे बता सकता? शट अप! तुम्हें लोगों ने उन स्टूडेंट्स को बताया कि मुझे कैंसर हुआ है, पर कैंसर के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। गरीब हो चुका हूँ मैं। हंस रहे हो नालायक? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बच्चों की फीस छीन ली तुम लोगों ने है? सुबह से 500 SMS आ चुके हैं मुझे, जब से उन लोगों को पता चला है मुझे कैंसर हुआ है, 500 SMS आ चुके हैं। सर ये तो खुशी की बात है ना, कितने चाहने वाले आपके। शट अप शट अप। वो मुझे SMS इसलिए कर रहे हैं कि मरने से पहले मैं उनका कर्जा चुकता करूं। ये सब तुम लोगों ने फ्रॉड किया है, तुम ही लोगों ने किया है। नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर 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 आप तो जानते हैं मेरी माँ ने कैसे कैसे ख्वाब देखे मेरे लिए। सर प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अच्छा प्लीज सर। तुम्हारी माँ ने ऐसे ख्वाब देखे हैं? क्या ये सर ह्यूमन रिसर्च?
ह्यूमन रिसर्च का सब्जेक्ट है ना मेरा, इसलिए मैं इन सब चीजों पे थीसिस कर रहा हूं सर। ह्यूमन रिसर्च है सर? ये नंगे चीथड़ों पे थीसिस लिख रहे हो तुम? ये असली फोटो? नहीं 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 सर, वो दीवारों पर लिखा जाए इसलिए मैंने ये फोटोग्राफ्स, इसमें और कुछ नहीं है सर। दूसरा कुछ चिपका दे बेटा। सर और कुछ मिला नहीं सर वो। देखो लक्ष्मण बेटा, यू आर अ गुड बॉय, लेकिन उन तीनों बदमाशों को यहाँ पे एंटर नहीं होने देना। नहीं सर प्लीज, बिल्कुल नहीं। प्लीज बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। राइट सर, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। सर नहीं नहीं सर, ए चोर सर, पता नहीं ये लोग कौन है, ये मेरे साथ नहीं है सर। यू नो देम? तो तुम सब लोग यहीं पर ही हो। ये लीजिए, रूम का भाड़ा समझ के रख लीजिए, हर महीने दे देंगे। मुझे घूस दे रहे हो है? कितने साल हुए तुम लोगों को कॉलेज से निकाले? दस साल हो गए फिर भी यहीं पर पड़े हो। सर सर सर, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक स्कीम है मेरे पास, आप बैठिए। नहीं जी, बैठिए ना, छोड़ो। एक जिपो लाइटर खरीदने पर एक फ्लैट फ्री। कोई स्कीम नहीं चाहिए तुम लोगों की मुझे, पिछली बार भी ऐसी स्कीम दी थी। सर ये देखो, ऐसा एसी लाया हूं कि जिंदगी भर इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आएगा। एसी का अच्छा था लेकिन। चुप कर बेवकूफ, आज तक कर्जा लेके उसका बिल चुका रहा हूं मैं। आप ए ए उ ए ई ओ आओ ए ई ओ आओ आओ क्या आओ आओ आओ। सर सर ये बोल रहा है ए, हमको मालूम है कि आपका दिल रोजी मैडम पे है और आज तक उसके बारे में हमने आपकी बीवी को खत नहीं लिखा। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कोशिश कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों को पुलिस के हवाले करूंगा। एक तो इल्लीगली यहाँ 10 साल से रह रहे हो, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, पूरी जिंदगी जेल में कटेगी तुम्हारी। गेट आउट, गेट आउट। नाराज क्यों होते हो? तमीज से बोलो ना। गेट आउट। द्वारा नहीं। Get out! Get out! Get out! देखो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। और इन तीन लफंगों को अंदर नहीं आने देना। दरवाजा बंद करके रखो। Absolutely. ये लफंगे अंदर नहीं आने चाहिए। नहीं सर। Get out! Thank you sir. Sorry sir. Thank you sir. Thank you. देखो, तुम लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। किसी दिन ये डीन मुझे यहाँ से बाहर फेंक देगा। मेरी तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी, तुम लोग को भी रहने की जगह नहीं मिलेगी। अब आन। ओए। अरे यार ये तो सर का पाउच है, ला मैं जाकर वापस दे। ए, दानवीर कन की ज़ेरॉक्स इधर ला। वेरी लवली। कसम से यार। कंडोम्स? चुंगे में। क्या है? जा। वो क्या है? एग्जाम का पेपर। ला मुझे दे दे, मैं पास हो जाऊंगा यार, दे दे मुझे। ये पास कैसे हो गए, तो एग्जाम दे ही नहीं रहा है। क्यों? इसको तो कल पेपर बेचने हैं। करेक्ट। क्यों, हमसे तो कोई खरीदेगा नहीं। क्यों? और ये शरीफ है। ए, देखो मैं पेपर्स नहीं बेचने वाला हूं। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। यार माँ की बड़ी तमन्ना है यार। सॉरी आंटी। सॉरी आंटी। गेट आउट, गेट आउट आई सेड। और अपनी मनुष्य शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाना, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा एक-एक को। गेट आउट आई सेड, गेट आउट। अरे एक तो मेरा बटवा चुराया, ऊपर से पेपर लिख किया, स्टूडेंट्स लोगों को 500-500 रुपए में बेचा, ये कह के कि 400 रुपया मेरा कट है, है? अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेशरम, नालायक, हलकट, मुझे गालियां भी नहीं आती। और ऊपर से कौन सी स्कीमें लेके आए थे मेरे पास, है? सर ये लाइटर खरीदिए फ्लैट फ्री, सर ये टेलीफोन खरीदिए रेफ्रिजरेटर फ्री, सर ये एसी लगवाइए इलेक्ट्रिसिटी फ्री। अरे मैं क्या बेवकूफ हूँ? बेवकूफ समझ के रखा है मुझे? अरे बेवकूफ भी छोटा वर्ड है तुम लोगों के लिए। मैं क्या, मुझे क्या वो समझ के रखा है? चुप चुप नालायक, गेट आउट, गेट आउट। अरे तुम लोग तो शनि से भी बदतर हो, शनि भी 7.5 साल तक सर पे रहता है, तुम लोग तो 10-10 साल से सर पे हो मेरे। मुझे पागल कर दिया है, पागल हो गया हूं मैं। अरे तुम लोगों की वजह से एसिडिटी हो चुकी है मुझे, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। रोजी मैडम से कहा ना तुमने, मैं टकला हो गया हूँ। हाँ मैं टकला हो गया हूँ, मैं टकला हो गया हूँ। क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे तुम? मैं टकला हो गया हूँ, टकला हो गया। सर एक नया स्कीम आया है, चड्डी पे गड्डी फ्री, इस पे नहीं नाराज क्यों होते हो सर? तमीज से बोलो ना, चले जाएंगे। गेट आउट प्लीज, गेट आउट।
हो गया हूँ, तुम लोगों के साथ रहूंगा तो गधा भी हो जाऊंगा। अरे क्या है, पेपर खरीद के पास हो। सर एक मिनट, पेपर खरीद के पास सर, मुझे चले जाओ यहाँ से। गेट आउट, गेट आउट। बर्बाद हो गया मैं तुम लोगों की वजह से। क्या बताऊंगा मैं अपनी माँ को, बेचारी कलेक्टर के यहाँ नौकरी करती थी, उसका सपना था कि मैं भी पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाऊँ। कलेक्टर बनने के लिए पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, तू तो वैसे भी हमारा कलेक्टर है, हमारा पैसा तो तू ही कलेक्ट करता है। मैं और बर्बाद नहीं होना चाहता, गांव चला जाऊंगा, कम से कम वहां सर छुपाने के लिए अपना घर तो है। हाँ, घर होना बहुत बड़ी बात है यार, इन ऐसा घर भी किस काम का जहाँ माँ बाप एक दूसरे की जान लेने पे तुले हों। ऐसे घर से तो बेघर होना ही अच्छा है। हाँ, हॉस्टल अच्छा है, कम से कम मलिका शिरावत के पास में नींद तो अच्छी आती है। मेरी नींद तो बचपन में ही चली गई, मेरे बाप की दो बीवियाँ थी, एक मेरी माँ और दूसरी पड़ोस वाले की। हाँ, सौ तेली उनके बच्चे मेरे गूंगेपन का मजाक उड़ाते थे। तेरा तो फिर भी घर था अपना, ना तो घर ना घर वाले, आंख खुली तो जमुना दास आना थाले में। पहले सोचता था कि जमुना दास ही अपना बाप है, फिर धीरे धीरे पता चला कि जमुना दास तो बचपन में ही मर गया था, उसके बाप ने उसकी याद में ही अनाथालय बनाया था। तो भेज देने भी अनाथालय में, वहां भी नहीं लेंगे तुम लोगों को, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूं। जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से वापस आ जाएगा। ई और ना हो आई ई, 10:30 बज रहे। ई आ ई और ना, ई और ना हो आई आयो आ। गोपाल तेरे से बात कर रहा है। आए ए इयो इयो क्या सुनामी? अपन 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 यही तो है। अरे यार शर्त लगानी चाहिए थी, एक वापस आ गया टाइम में जॉगिंग का। अच्छा वसूली आ रहा है, अरे भागो यहां से, पकड़ो उस को। इंस्टॉलमेंट पे लिया, इसका मतलब ये नहीं कि रुकते रहे यार। यार रुक रुक के चलती है, कैसी भाई है? क्या हुआ? देख रहा हूँ जल्दी। वसूली वसूली। ओए ये केस चलना पड़ेगा। अबे दरवाजे खुलते भी हैं बे। कौन है? कोई नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है किसने हम लोगों को देखा। देखा कि नहीं देखा यार? उसने जो देखा किसी ने नहीं देखा। क्या देखा? उसने देखा कि हम चार हैं और बूढ़ा अकेला है, अंदर जाके पुलिस को फोन करेगा। तो फिर चलो भागो। हाँ वैसे भी हम लोग बंगला थोड़ी खरीदने हैं। कोई भी आठ होती है ना तो मुझे लगता है हमारा पोता समीर आ गया है। समीर आएगा तो दिन के उजाले में आएगा, वैसे रात के अंधेरे में चोरों चक्कों की तरह थोड़ी आएगा।
पता नहीं आएगा भी कि नहीं। आएगा आएगा, अमेरिका नजदीक थोड़ी है, पता है प्लेन में भी 22 घंटे लगते हैं। यहाँ तो 22 साल हो गए, बचपन में देखा था उसे। मुझे पता है, और तुम तो उसी के इंतजार में जी रही हो, है ना? क्यों नहीं, हमारा इकलौता पोता जो है, और वैसे देखो तो वो ही हमारा वारिस है। सच देखो, वो जब आए तब आए, लेकिन उसके आने तक हमको एक दूसरे का सहारा बन के जीना पड़ेगा, है ना? एक बात बता, वो आएगा तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? हाँ, तुम चिंता मत करो, मुझे भरोसा है। हाँ, हमें अपने आप महसूस हो जाएगा। चलो रात हो गई, ये सो जाते हैं। हाँ, लाइट तो बंद कीजिए। क्या फर्क पड़ता है उजाला हो या अंधेरा, हमारे नसीब में तो 24 घंटे रात ही रात है। हो तो फिर टॉर्च लेके क्यों गए थे बाहर? हाँ, ताकि चोर उचक्कों को पता ना चले कि ये बंगले में दो अंधे रहते हैं। ये बुड्ढी ने इड़ा होना है यार, दोनों तो अंधे। पहरे थोड़ी है। कलंगूट लास्ट बस स्टॉप, लास्ट बस स्टॉप, चप्पल लेन, लास्ट बंगलो, लास्ट बंगलो। बंगलो का नाम शांति निकेतन। अबे नारी निकेतन है, शांति निकेतन तो बोला, शांति निकेतन। कौन सा माला? ए, कौन आला रे, कौन आला? अरे पूछ रहे कौन सा माला। अरे तेरे ऊपर का माला खाली है क्या? बंगलो बोल रहा हूँ, बंगलो। माला पूछ रहा, दो लोग रहते हैं वहाँ, एक बुढ़ा और बुढ़िया, दोनों अंधे। अंधे काम हो जाएगा। अरे गोपाल कहाँ गया? क्या सोच रहा है? एक आइडिया है, अगर मैं समीर बन के घर में घुस जाऊं तो। अभी कहीं पता चल गया तो? उन्हें थोड़ी दिखता है, थोबड़ा कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसा करना पाप है। अरे सोचो यार, इतना बड़ा बंगला है, लाइफ बन जाएगी हम सब लोगों की, खाने पीने की ऐश, बस तुम दोनों को लकी बन के रहना पड़ेगा। मतलब? मतलब तुम दोनों को लकी की तरह गूंगा बन के रहना पड़ेगा। कोई नहीं बोलेगा, बोलूंगा सिर्फ मैं। थैंक यू। इन दोनों की बकबक सुन के मेरा सर फट रहा है। ए, ए, देखो मुझसे ये नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहे भाई? कौन है? कौन? कौन? कौन है? कौन है तू? बता, बता कौन है? कौन है बोल? कौन है तू चोर? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस? चोर? कौन है तू? बता, बता नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। बता, बता। मैं कौन? मैं कौन? तू दादा? तू कौन? तो मैं समीर। समीर? कौन समीर? समीर आपका पोता। समीर मेरा पोता, तू आ गया अमेरिका से? तो अभी तक तू बोला क्यों नहीं? हाँ, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। कैसे आया? उड़के? उड़कर आया? प्लेन में, प्लेन में। अचानक आ गया? बताना चाहिए था ना, आ रहा है। हाँ? खत लिखता, किसी को बोलता, हाँ? फोन करता। स्वदेश देखी ना, इसलिए आ गया। स्वदेश? विदेश में स्वदेश? ओ, अब आप अपनी मिलिट्री गिरी छोड़ दीजिए। मेरा पोता इतने सालों के बाद आया है,
उसे सांस तो लेने दीजिए। आजा, आजा बेटा, आजा। आजा, आजा। कितने सालों के बाद आया। बैठ, बैठ, बैठ। आराम कर, उड़कर आया है, थक गया होगा। बैठ, 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 बैठ। अरे कहाँ जा रहे हैं? बैठ, बैठ। तेरा सामान कहाँ है? लाया हूँ ना, तीन तीन सूटकेस हैं। अंदर रख देना, यहाँ चोर लुटेरे बहुत घूमते हैं। कौन से फ्लाइट से आया? वो अमेरिका से। हाँ? न्यूयॉर्क टू गोवा। गोवा डायरेक्ट हो गया? तो शिकागो में रहता है ना? वो शिफ्ट हो गया ना? शिफ्ट हो गया। न्यूयॉर्क में कहाँ रहता है? वो अपना न्यूयॉर्क है ना? वो तो है। कहाँ रहता है? पूरे न्यूयॉर्क में कहाँ रहता है? झांसी की रानी। झांसी की रानी मशाल। भाला साहब के घर के पास नहीं रहता। पुतला। पुतला? बाटे, बाटे, बाटे का पुतला। लिबर्टी का पुतला। लिबर्टी के स्टैच्यू के सामने। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। लेकिन पुतला तो दरिया में है। कब से? हमेशा से। कि वो भी शिफ्ट हो गया? वो मैं मजाक कर रहा था। घर की खिड़की खोलो तो सामने पुतला। अच्छा, उसके सामने घर क्या? तेरे माँ बाप आते तो कितना अच्छा होता। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? दादाजी, बिल्ली थी। हा? बिल्ली थी कि बैल था? एओ, एओ। बिल्ली चाइनीज है? ओ, वाए, वाए। ए, तू जो ऐसे बात करेगा अपने दादाजी से? कहाँ के संस्कार तेरे? क्या दादा बिल्ली पे जोक भी नहीं मार सकता? परदेश से ये सीख कर आया तू? अबे तू रुक। रुक, कौन गया? गया कौन? दादाजी रुक नहीं, भूख भूख। भूख तो लगेगी ही, इतनी दूर से आया है। तू रुक बेटा, मैं अभी खाना बना के लाती हूँ। चार थाली। चार थाली क्यों? वो तीन तीन सूटकेस उठा के लाया हूँ ना, इसलिए भूख लगी है। तीन सूटकेस, चार थाली, बराबर। नहीं 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 नहीं, चार नहीं, आज एक ही थाली में तेरे दादाजी, तू और मैं साथ खाना खाएंगे। ठीक है, जल्दी ला। तेरी आवाज इतनी दूर से क्यों आ रही है? वो दादाजी, वो पेट खाली है ना, इसलिए आवाज गूंज रही है। गूंज रही। देवा, तूने अपना पोस्टल एड्रेस नहीं बताया बेटे मुझे। हा? सुनते हो? हाँ। घी का डब्बा नीचे उतार दो। जाइए, डब्बा निकालिए। पोता है तो देशी घी निकलेगा, वरना हमको नो ऑयल नो घी, सूखी रोटी। अबे तू कहीं नहीं जा सकता, तू तो मेरा आधा शरीर है। क्या मतलब आधा शरीर है? मतलब बूढ़ा बूढ़ी के लिए समीर बॉडी से तू है और आवाज से मैं। हाँ, और ये अंधे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, एक बार किसी को टच कर लिया ना, वो टच कभी भूलते नहीं है। और आवाज भी, अब तो ऐसे ही चलेगा। ये मैं नहीं कर सकता। करना ही पड़ेगा लक्ष्मण, अब ऐसा ही होगा। हे भगवान, कैसी जिंदगी दी है तूने, अब मेरा क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, ऐसी जिंदगी तू कब से जी रहा है? मेरे इशारे पे बोलता है, ए चुप करो ए। और गोपाल, तेरा ये प्लान फ्लॉप होने वाला है। मुझे तो यकीन है कि ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी अंधे नहीं है। वो बूढ़ा मुझे यूं देख रहा था, पता है, आंखें फाड़ फाड़ के। अबे अंधे लोग ऐसे ही देखते हैं। अरे नहीं, वो बूढ़ी ने तो मुझे आंख भी मारी। उसने तुझे आंख मारी? हाँ। मतलब वो 100% अंधी है? अरे नहीं है। तो देख, चुप कर, तो बेहोश करके अंदर लेके जाऊंगा, बोल रहा हूँ। देख मैं। समीर बेटे, खाना तैयार है। ए, आवाज मेरी। शरीर किसका? मेरा। बॉस, बॉस, बॉस। क्या भाई? सत्तू आया है। सत्तू समुंदर में टट्टू। सत्तू सुपारी आंड वने। क्यों बे? हे सुपारी, माय बॉर्न किलर, हाउ डू यू कम मैन? क्या कम 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 होते होते बचाओ मैं, मालूम है? What? पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते? दो अंधे, चार बॉडीगार्ड है, कौन बताएगा? चार बॉडीगार्ड कहाँ से आएगा? फिर नारे लेते, एम लेके मारते कि ओलंपिक में जाए तो इंडिया का नाम रोशन कर दे। हाँ? इंडिया का नाम रोशन कर दे। अबे चिल्लाता क्या, रोशन क्यों ला? क्या सोचता है मैं बहरा हूँ? शट अप। आगे आगे क्या सोचा है? क्या सोचा है? खोपड़ी का एक्सरे निकाल लूंगा और पेन किलर ले लूंगा। पेन किलर ले लूंगा, जब बस वही कर, मैं कोई दूसरा प्रोफेशनल हायर कर लूंगा। गो। ए! अरे
सत्तू सुपारी को और एक मौका दो प्लीज। अब की बार पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। जाएगा? हाँ तो जा। अरे ऐसे क्या चल रहा है? आपके पिछवाड़े कभी कील घुसा है? ना। तो आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते? मेरा दर्द तुम लोग नहीं समझ सकते। मैं चला। वो राइट साइड है, वहां पे थोड़ा ज्यादा डीप है। अबे रोकना यार अपनी ट्रॉली, बात तो सुन मेरी। नहीं मैं किसी की नहीं सुनने वाला। एक तो मुझे यहाँ फंसा दिया, ऊपर से खाना भी नहीं खाने देते। आज तो मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे कर ही रहूंगा। ए लक्ष्मी, मेरे लक्ष्मण क्या कर रहा है यार? तू मर गया तो निरूपा रॉय का क्या होगा? निरूपा रॉय? अबे तेरी माँ को मैं निरूपा रॉय बोलूंगा ना, ऐश्वर्या राय तो नहीं बोलूंगा। अबे दो माले की बिल्डिंग है, गलती से बच गया तो रिपेयरिंग का खर्चा कितना आएगा मालूम? वैसे भी कड़की चल रही है। तू चुप है, तेरी वजह से मैं भूखा मर रहा हूँ, और भूखे मरने से अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं। सुन 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 सुन, तू कितना तक गिनने वाला है? तीन दो। ये शोले वाली सुसाइड नहीं है, सचमुच मरने वाला है। अंधेरा हो जाए तो साइड में जाके सुसु नहीं कर सकता, सुसाइड क्या करेगा? दो ने तीन। तू मर गया तो मेरा क्या होगा? मेरी तो बोलती बंद हो जाएगी। और मेरी खामोशी तो म्यूजिकल की डबिंग कौन करेगा यार? तो चल तू भी चल, खामोश रहने से अच्छा है कि हमेशा के लिए खामोश हो जाए। मैं तो चला। ए लकी, तेरे पास टाइम है ना? एक काम कर, मेरे लिए एक और भेल ले क्या? कोल्ड ड्रिंक। मेरे लिए वड़ा पाव तीखा कम। अभी तू तो मरने वाला था। हाँ तो खा के मरूंगा, खाली पेट थोड़ी ना मरूंगा। एसिडिटी हो जाएगी ना। अप्पा हाँ, तू मर गया तो तेरी घड़ी मुझे दे देना। अबे तू अब अगर नहीं कूदा ना तो मैं तुझे धक्का दे दूंगा। क्या चलता ना यार, तू चैन से मरने भी नहीं देता। मरने के बाद चैन से रहना। हर बार तेरी दादाजी नहीं मरता। जा, मर गया बिना कूदे। ये तो वो सीढ़ी वाली लड़की है यार। क्या इसकी सीढ़ी भी निकली है? अरे नहीं यार, उस दिन सीढ़ी पे देखा था ना हम लोग ने। ए वो देख, और भी मुर्दे खड़े लाइन में। चीपस्टर्स। ची बेशरम साले, शर्म नहीं आती लड़की को कपड़े बदलते देखते हुए? आई नो यार, डिसेंसी नाम की कोई चीज ही नहीं आजकल। हां यार, दूसरों के घरों में झांकते लोग। बिल्कुल। यो आर नॉट ऑट माय ओ। क्या करें हम लोग, देख रहे हैं। ए ओ ओ ओ गधा।